हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो आपके अलावा कोई भी दूसरा बंदा यूज़ ना करे, और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप एक लॉक लगा दें, उसमें पासवर्ड लगा दें, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को पासवर्ड लगा सकते हैं, उसे लॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ से आप ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र की जो वेब स्टोर है यहाँ पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपने टाइप करना है लॉग योर ब्राउज़र। इसके बाद आपने यहाँ से इसको सर्च करना है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की एक एक्सटेंशन आ जाएगी। तो इसको आपने यहाँ से गेट बटन पर क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है। तो इसके बाद ये जो एक्सटेंशन होगी वो आपके ब्राउज़र में विद इन 3 to 4 सेकेंड में ही इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक नया टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखते हैं क्रिएट मेन पासवर्ड। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट करना है, जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी एक मेल ऐड करनी है। इस मेल का फ़ायदा ये होगा कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर कर सकेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसे ओके करना है। तो इसके बाद आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा। वैसे हमारा जो ब्राउज़र है वो लॉक तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ सेटिंग हमें दिखाई गई हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने पहले वाला पासवर्ड डालना है, और उसके बाद यहाँ दोनों जगहों पर अगेन एक न्यू पासवर्ड ऐड करना है, और उसके बाद आपने सेव करना है। तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग दी गई है, लॉक ब्राउज़र है, आप इसे ऑन ही रखें क्योंकि हमने इसे ब्राउज़र को लॉक करना है, इसलिए ऑन ही रखना है। डीप सिक्योरिटी है, आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। डार्क मोड है, इसके बाद लाइट मोड है, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। पासवर्ड रिकवरी है, आप इसे ऑन रखें, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर भी कर सकेंगे। क्लियर हिस्ट्री है, अगर आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से आप ओके कर दें, ये ऑन हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके लिए आपने यहाँ से डीप सिक्योरिटी को ऑन करना है, ठीक है ना। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर रॉन्ग पासवर्ड को लगा रहा है तो आपके ब्राउज़र की जो हिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ सेव करेंगे तो इसके बाद जो भी पासवर्ड होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं ब्राउज़र क्लोज करता हूँ, दोबारा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करेंगे या कोई भी बंदा ओपन करेगा तो यहाँ पर वो पासवर्ड देना पड़ेगा जो आपने सेट किया था। जैसे कि मैं पासवर्ड देता हूँ, उसके बाद साइन करूँगा, तो इसके बाद ही ब्राउज़र ओपन होगा। बगैर पासवर्ड के आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो ओपन नहीं होगा। तो आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को पासवर्ड लगा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ताकि आपका ब्राउज़र कोई भी दूसरा बंदा यूज़ ना करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।